नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार शाम विशेष प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर कानपुर पहुंचे। लखनऊ में जारी एक सरकारी बयान के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कानपुर नगर आगमन पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर अंगवस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया। रेलवे के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार को शाम 8:05 पर विशेष प्रेसिडेंशियल ट्रेन से कानपुर पहुंचे। कानपुर आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक राष्ट्रपति कोविंद कानपुर देहात जिले में अपने पैतृक गांव परौंक का दौरा करेंगे। वह रविवार को परौंक गांव में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वहीं 28 जून को वह विशेष रेलगाड़ी से ही लखनऊ जाएंगे। राष्ट्रपति शुक्रवार दोपहर को कानपुर के लिए दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन में सवार हुए थे। आपको बता दें कि बयान के अनुसार राष्ट्रपति की पहली ट्रेन यात्रा के दौरान उनके स्वागत के लिए मार्ग के स्टेशनों को सजाया गया था। वहीं आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शहर के विकास, उद्योग, रोजगार, शिक्षा और अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी को लेकर चर्चा भी करेंगे। शिक्षा क्षेत्र की कई बड़ी हस्तियां उनसे मिलेंगी, तो कई प्रमुख चिकित्सकों के नाम भी मिलने वालों की सूची में है। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना भी उन्हें औद्योगिक विकास और शहर के विकास के बारे में बताएंगे। वहीं मंडलायुक्त भी केंद्र सरकार से जुड़े प्रोजेक्ट पर राष्ट्रपति का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गौरव अवस्थी। तो गौरव, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से राष्ट्रपति जिस तरह से ट्रेन से कानपुर पहुंचे, अगर बात करें आज के कार्यक्रमों की तो वो कौन कौन से हैं? देखिए, आज के अगर कार्यक्रमों के राष्ट्रपति की बात करें तो आज राष्ट्रपति सर्किट हाउस पर ही रहने वाले हैं। वहां पर आज, जैसा कि आपने बताया, लोगों से मुलाकात करेंगे, हर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से मुलाकात करेंगे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, हर इंडस्ट्री से लोगों से मुलाकात आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की होनी है। और वहां पे लोगों से जानेंगे कानपुर का क्या कुछ विकास है और कानपुर में किस तरीके की विकास की गति आगे चल रही है। इन सभी चीजों को लेकर के रामनाथ कोविंद आज लोगों से मुलाकात करेंगे, चाहे वो सीएसजीएम के प्रोफेसर हो या और भी अन्य चीजों से जुड़े हुए शिक्षक हो या उनके करीबी हो या फिर आप मान लीजिए कि राजनेता हो या उद्योग से जुड़े हुए बड़े लोग हो, सभी लोगों से आज राष्ट्रपति की मुलाकात सर्किट हाउस पर होगी। वहां पर वो लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कानपुर में किस तरीके की समस्या है और किस तरीके के काम करने की फिलहाल अभी कानपुर में जरूरत है, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्रपति कानपुर से ही उन्होंने शिक्षा दीक्षा की हुई है और वहाँ पर जब आते हैं और वहाँ पर वो जब इन सब चीजों को देखते हैं तो उनको एक तरीके से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है किस तरीके का वहाँ से लोगों को उनको इनपुट मिलता है। जी गौरव, कहीं ना कहीं बयान में ये भी कहा गया है कि आज वो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी कई तरह की चर्चा करेंगे और साथ ही इसमें कई डॉक्टरों की सूची भी एक तैयार की गई है जिनमें राष्ट्रपति से वो मुलाकात करके चर्चा भी की जाएगी। तो क्या लगता है, जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर आने का भी संभावना जताई जा रही है और कहीं ना कहीं बच्चों पर ये ज्यादा प्रभाव डालेगी, तो क्या लगता है ये एक बड़ा मुद्दा होने वाला है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने जिस तरीके से देखा होगा कि दूसरी लहर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ा हुआ था, कानपुर, लखनऊ ये सब प्रभावित जिले थे, यहाँ पर प्रभाव क्षेत्र ज्यादा था कोरोना का, उसको देखते हुए यहाँ पर जो यहाँ के डॉक्टर हैं, जो यहाँ पे आईआईटी वगैरह के डॉक्टर हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे कि अब आगे का क्या खतरा है, अब किस तरीके से लोगों को जागरूक अवेयर करने की जरूरत है और किस तरीके से यूपी के अंदर हालात बने हुए हैं, कानपुर के अंदर खास तौर पे जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से गाइड किया जाए और स्वास्थ्य सुविधाएं कानपुर के अंदर किस तरीके की हैं, व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं, अगर संक्रमण बढ़ता है तो बच्चों को यहाँ पर उपचार है तो किस तरीके की व्यवस्थाएं, इन सब व्यवस्थाओं को जानेंगे। उसके बाद जो भी चीजें हैं उनको जान करके आगे का जो रोड मैप है वो तैयार किया जाएगा। जी जी,
गौरव, 28 जून को राष्ट्रपति विशेष रेलगाड़ी से लखनऊ जाएंगे, तो क्या लगता है किस तरह के वहां पर कार्यक्रम होंगे और किन विषयों पर चर्चा की संभावना बताई जा रही है? आप बता दें, जिस तरीके से कल राम गोविंद रात को पहुंचे थे, राज्यपाल और सुबह के मुखिया दोनों लोगों ने उनको यहाँ पर कानपुर स्टेशन पर उनको लेने के लिए एक तरीके से भेंट हुई थी, और फिर उसके बाद कानपुर में आज सर्किट हाउस पर पूरे किले की तरीके तब्दील किया गया है। वहाँ पर रामनाथ गोविंद की सुरक्षा को देखते हुए वहाँ पर उनको रोकने की व्यवस्था की गई है, वहाँ पर वो विश्राम कर रहे हैं। और आपको बता दें, मिनट टू मिनट कार्यक्रम है राष्ट्रपति के, और कल की बात करें, कल भी वो अपने पैतृक गांव में उनके कार्यक्रम है, कल के बाद फिर वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। मुझे लगता है कि ये सारे कार्यक्रमों के बाद जब वो लखनऊ रवाना होंगे तो इन सब विषयों पर चर्चा हो सकती है। कानपुर के जो, जैसा कि आज लोगों से मिलेंगे, जो भी उनसे फीडबैक मिलता है, इन सब फीडबैक पर राष्ट्रपति मुख्यमंत्री को अवगत करा सकते हैं, और उसके बाद जो भी बेहतरी के इंतजाम हैं उनको लेकर के चर्चा हो सकती है यूपी के अंदर। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो आपको एक बार फिर से बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शहर के विकास, उद्योग, रोजगार, शिक्षा और अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी को लेकर भी चर्चा करेंगे। शिक्षा क्षेत्र की कई बड़ी हस्तियां उनसे मिलेंगी, तो कई प्रमुख चिकित्सकों के नाम भी मिलने वालों की सूची में शामिल है। आपको बता दें कि औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना भी उन्हें औद्योगिक विकास और शहर के विकास के बारे में बताएंगे, साथ ही मंडलायुक्त भी केंद्र सरकार से जुड़े प्रोजेक्ट पर राष्ट्रपति का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। आपको बता दें कि साथ में जिस तरह से लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं इस पर भी चर्चा करने की बात कही जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, मैनपुरी के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक सिपाही ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में और परिजनों में दहशत फैल गई है। सिपाही 2011 बैच का था और थाना कुर्रा क्षेत्र में डायल 112 पर तैनात था। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही परिजनों ने बताया कि मृतक सिपाही का उसकी पत्नी से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर सिपाही रुपेंद्र ने यह कदम उठाया है। रुक करते अगली खबर की ओर, बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के खेला हुई नारे ने जो चुनावी कमाल किया है, उसने तो उनको बंगाल का मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन अब उनका यही नारा बीजेपी के अन्य प्रदेशों में परेशानी बनने को तैयार है, क्योंकि यूपी में सपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ममता बनर्जी के नारे को अपना लिया है। कानपुर में समाजवादी पार्टी ने विधिवत इस नारे की लिखी होल्डिंग शहर में लगवानी शुरू कर दी है। शहर के बड़े चौराहे पर एक बड़ी होल्डिंग लगाई गई है, जिसमें लिखा है अब यूपी में खेला हुई। होल्डिंग में सपा अध्यक्ष अखिलेश सिंह की फोटो लगाई गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन होल्डिंग को कानपुर नगर के सपा अध्यक्ष डॉक्टर इमरान ने इसे लगवाया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गौरव अवस्थी। तो गौरव, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है जिस तरह से 2022 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वहीं जिस तरह बंगाल में होल्डिंग लगाई गई थी खेला होई के नारे पर, जो कमाल हुआ है कहीं ना कहीं चुनाव पर, तो क्या लगता है यूपी में भी 2022 के चुनाव में ये जो नारा लगाया जा रहा है और साथ ही इसकी होल्डिंग लगाई जा रही है, कहीं ना कहीं चुनाव में ये कुछ फेरबदल करने के लिए लगता है आपको? देखिए, जिस तरीके से कोविड का टेम्परेचर तो यूपी के अंदर कम हो गया है, लेकिन अब यूपी के अंदर सियासत का टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सियासत का टेम्परेचर जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए कानपुर की अगर बात करें, कानपुर में बंगाल की तर्ज पर जो नारा लगाया गया था बीजेपी की तरफ से खेला हो गए, उसी को लेकर के अब एक उसी के तर्ज पर यहाँ पर सपा के जो नेता हैं उन्होंने ये होल्डिंग लगाई है। यूपी में भी अब खेला हुई इस तरीके के नारे लगाए गए हैं और होल्डिंगें लगाई गई हैं बड़ी बड़ी, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बड़ी सी फोटो लगाई गई है और बाकी नेता अपनी फोटो लगा करके इस नारे को लगा रहे हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी और जिस तरीके से हालात यूपी के अंदर बने हुए हैं, सिर्फ बीजेपी सरकार जो है वो एक तरीके से सच को है वो छुपाने का काम कर रही है। बीजेपी की सरकार धरातल पर काम नहीं कर रही है, सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। इसी तरीके से अब जनता जो है वो जागरूक हो चुकी है। अब 2022 में जो भी जनता है वो लोगों के, वो बीजेपी के साथ खेला करने वाली है, बीजेपी को जवाब देने वाली है। जी,
को जिस तरह से खेला होई की होल्डिंग्स लगाई जा रही हैं, जोर शोर से इसके नारे चल रहे हैं, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे मात मिलने वाली है? क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं जिस तरह से बंगाल चुनाव देखा जाए तो वहां पर भी खेला होई से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, तो क्या लगता है यूपी के चुनाव में किस तरह से खेला होई काम करने वाला है? देखिए, बीजेपी सरकार की अगर बात करें, अभी उनकी तरफ से इस नारे का कोई भी वो नहीं जारी किया गया है, कटाक्ष, लेकिन जिस तरीके से मुश्किलें तो बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जो फिलहाल स्वाभाविक सी बात है, जो भी सरकार 5 साल के लिए काम करती है उसके बाद कहीं ना कहीं कमी तो रहती है, उन कमियों को एक तरीके से जो विपक्षी दल हैं वो मुद्दे बनाते हैं, और जब मुद्दे बनाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं जनता प्रभावित होती है, और कहीं ना कहीं ये चीजें जनता को प्रभावित करने के लिए इस तरीके के नारे दिए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता को ये लोग कितना लुभा पाते हैं, कि ये सिर्फ नारे होल्डिंग पर ही रह जाते हैं या जनता के दिलों पर जा पाते हैं, ये देखने वाली, ये समझने वाली बात होगी। फिलहाल विपक्षी दल जुट गए हैं सारी कोशिशों पर कि जनता के बीच में इन सब चीजों को कैसे पहुंचाया जाए, लेकिन जनता कितना इन चीजों को समझ पाती है और विपक्षी दलों को मौका देती है, ये तो अभी जानने में फिलहाल समय लगेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर हमारे साथ गौरव जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से कानपुर में समाजवादी पार्टी ने विधिवत इस नारे के लिए की होल्डिंग शहर में लगवानी शुरू कर दी है। शहर के बड़े बड़े चौराहे पर एक बड़ी होल्डिंग लगाई गई है, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि अब यूपी में खेला होई। होल्डिंग में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की फोटो भी लगाई गई है, और साथ ही आपको बता दें कि इन होल्डिंगों को कानपुर नगर के सपा अध्यक्ष डॉक्टर इमरान ने लगवाई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, बीते दिनों गोरखपुर के एक निजी डायग्नोस्टिक सेंटर के चिकित्सक से असलहा सटाकर 4.5 लाख लूटने का मामला सामने आया था, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी कर लूट की रकम में से 1,94,000 की बरामदगी कर गोरखपुर एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु ने मामले का खुलासा किया है। घटना में शामिल बाकी लुटेरों की तलाश की जा रही है, जल्द ही वो भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। साथ ही आपको बता दें कि इसके साथ ही एसएसपी ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 का नगद इनाम घोषित किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, मॉनसून की दस्तक के साथ पूरे देश में बारिश हो रही है। प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। दूसरे राज्यों से छोड़े गए पानी की वजह से अलीगढ़ के सांकरा गंगा नहर में भी नदियों का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते पानी की वजह से आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। बढ़ती समस्या को देखते हुए प्रदेश के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने अधिकारियों के साथ मिलकर इलाके का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान राज्य मंत्री ने कहा कि हमारा जितना भी इलाका गंगा के किनारे बसा हुआ है और बाढ़ से प्रभावित हो रहा है, उन सभी इलाकों को चेक किया जा रहा है। इसी के साथ जहां जहां नए बांध बनाने की आवश्यकता है, उन जगहों पर बांध बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। मेरा यहां पे जितने भी हमारा, क्योंकि गंगा से किनारे लगा हुआ क्षेत्र है और जितने भी वहां से गांव प्रभावित होते हैं बाढ़ से ग्रसित, जितना भी क्षेत्र है उसको आकर के मैंने देखा है, और जहां जहां पर बंधे बनवाने की आवश्यकता है उसके लिए सरकार के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मैंने आज काफ़ी नए एरिया जो है उनको चिन्हित किया है, आगे आने वाले समय में इसका एक प्रस्ताव बना करके मेरे द्वारा भेज दिया जाएगा, और जहाँ जहाँ पे इसकी आवश्यकता है उसको पूरा किया जाएगा। और साथ ही साथ हमारे जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक ऐसा अनुरोध किया गया है, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी लोग CHC और PHC को गोद लेकर के, और उसके लिए जितना भी जीर्णोद्धार का कार्य है उसको साज सज्जा और मरम्मत का कार्य, सभी सुविधाओं का कार्य है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब लोगों पर तीसरी लहर का खतरा काफी मंडरा रहा है। देश में धीरे धीरे करके वैक्सीनेशन की भी रफ्तार बढ़ती जा रही है, और इसी कड़ी में लखनऊ में कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं, मन में कोई शंका ना पाले, सिर्फ वैक्सीन ही लोगों को इस भयानक महामारी से निजात दिला सकती है। वही वैक्सीनेशन अभियान का हिस्सा बने और इस सरकार के अभियान को सफल बनाने का काम करें। आप भी सुनिए राजू श्रीवास्तव वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राजू श्रीवास्तव। यार, जान है तो जहान है, तो कोई आशंका मत पालो, कंफ्यूज मत हो,
कोरोना से बचाव की जो वैक्सीन है वो लगवा लो, इसमें आप ही की भलाई है। सरकार का ये अभियान है, इसको सफल बनाइए, उसमें सहयोग करिए, आप ही के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। इसमें करना कुछ नहीं है, आप कोविन वेबसाइट में जाइए, अपना नाम रजिस्टर्ड करा लीजिए, फिर जो डेट और जो टाइम मिले उस दिन जाके टीका लगवा लें, है ना। तो जो अच्छी चीज है उसमें सपोर्ट करना चाहिए। रुक करते अगली खबर की ओर। सीएम योगी की लोक भवन में चल रही बैठक के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने बयान दिया है। मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि जिस तरह से पूरा देश और प्रदेश कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर ऑक्सीजन की व्यवस्था की पूर्ति के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से कोरोना महामारी को फैलने से रोका गया है और सरकार की सूझबूझ से प्रदेशवासियों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की गई हैं, जिससे अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश ने कोरोना महामारी पर विजय हासिल की है। सुनिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने क्या बयान दिया है। आपको ये सोचना चाहिए, आप लोगों को जानकारी में भी है कि हम हर तरह से जो चूंकि कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग चल रही है, रोज़ इसकी देखभाल की वजह से इसको हम मिनिमाइज करने में सफल हुए। देखिए, उत्तर प्रदेश ने पहली लहर झेली कोरोना की और मैनेजमेंट की कुशलता के कारण पहली लहर जो है उसका प्रकोप माइल्ड भी रहा, हालांकि देर तक चला लेकिन समाप्त हो गया। जब दूसरी लहर आई उसकी तीव्रता ज़्यादा थी, लेकिन दूसरे प्रदेशों के मुकाबले हमारे मैनेजमेंट की वजह से इसका भी प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने में हमारा संगठन, हमारी सरकार सफल हुई। और आज की तारीख में जहां महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, इन प्रदेशों में बहुत ज़्यादा केसेस हैं, उसके बाद भी हमारे यहां लगभग 3,500 केसेस केवल। तो आपको ये सोचना चाहिए, आप लोगों को जानकारी में भी है कि हम हर तरह से जो चूँकि कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग चल रही है रोज़। वहीं कोविड की दूसरी लहर में लखनऊ के मेदांता अस्पताल ने भारी संख्या में मरीजों का इलाज किया है और कोरोना मरीजों का इलाज करने के साथ ही वैक्सीनेशन लेकर भी अस्पताल काफी ज्यादा एक्टिव रहा। वैक्सीनेशन की इसी प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जा रहा है। मेदांता अस्पताल में 26 जून से स्पुतनिक वी वैक्सीन का विकल्प भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मेदांता अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया को और बढ़ाया जा रहा है। निर्धारित मूल्यों पर मेदांता हॉस्पिटल में आम जनता के लिए कोविशील्ड के साथ साथ स्पुतनिक वी वैक्सीन को भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं डॉक्टर राकेश कपूर, मेडिकल डायरेक्टर मेदांता लखनऊ, ये बताते हुए बहुत हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ कि हमारे मेदांता लखनऊ में अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अगेंस्ट कोविड शुरू हो गई है। हमारे पास कोविशील्ड वैक्सीन अवेलेबल है और स्पुतनिक वैक्सीन अवेलेबल है। जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसकी सेकेंड डोज 84 डेज के बाद लगेगी, स्पुतनिक वैक्सीन की सेकेंड डोज 28 डेज के बाद लगेगी, और ये दोनों ही वैक्सीन जो हैं वो कोविड के अगेंस्ट इफेक्टिव पाई गई हैं। इनके जो रेट्स हैं वो हमारे जो गवर्नमेंट के प्रीफिक्स रेट्स हैं उन्हीं रेट्स पे ये वैक्सीनेशन प्रोसेस किया जाएगा, और हमारी कोशिश रहेगी कि कोविड के अगेंस्ट जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री कोशिश में हैं कि इस डिजीज को खत्म कर सकें, तो उसमें वहीं ताज नगरी आगरा में मंडलायुक्त कार्यालय पर मंडलायुक्त अमित गुप्ता के साथ डीएम की अहम बैठक हुई। अधिकारियों की बैठक के दौरान मंडलायुक्त कार्यालय पर कई किसानों ने पहुंचकर सड़क पर बैठकर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं हंगामा करने वाले किसानों का ये कहना है कि विकास प्राधिकरण उनकी जमीनों को लेकर किसी भूमाफिया को बेचने की फिराक में है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं बैठक खत्म होने के बाद कार्यालय से बाहर निकल रहे डीएम की गाड़ी को भी ग्रामीणों ने रोक लिया। इस दौरान डीएम ने मीडिया कर्मियों से भी बिना बातचीत किए उन्हें दूर रहने के लिए कह दिया। ये मामला था इनर रिंग रोड थर्फिस का, जो कि इनर रिंग रोड नहीं बनाया जा रहा है, उस जमीन को एडीए के अधिकारी उस जमीन को कॉलोनाइजर को बेचना चाहते हैं।
इससे किसान संतुष्ट नहीं है। आज जो बोर्ड की बैठक हुई इसमें उसमें क्या गेम किया गया है इसका जल्दी खुलासा होने वाला है। ADA BC ने यह कहा कि किसानों को 4 गुना मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तो ये इनको भी पता होगा कि किसान 4 गुना मुआवजा लेगा या तुमको जमीन देगा। जमीन किसान की है, इनकी नहीं है। किसान अपनी जमीन को दे कैसे दे। खबर रायबरेली से, जहां पर कांग्रेस ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। जिला पंचायत पद के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने आरती सिंह के नाम की घोषणा की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रत्याशी के नाम की घोषणा की गई। आपको बता दें कि आरती सिंह स्वर्गीय सांसद अशोक सिंह की बहू हैं। जिला पंचायत की सदस्य श्रीमती आरती सिंह जी, मनीष सिंह जी, उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, मित्रों, पार्टी के पदाधिकारी बंधुओं, आप जानते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की घोषित प्रत्याशी श्रीमती आरती सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष। वहीं लखनऊ के इंदिरा नगर सेक्टर से तालाबों की साफ सफाई के काम को शुरू किया गया है। महापौर संयुक्ता भाटिया और नगर आयुक्त ने तालाबों की सफाई के काम का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान मेयर के साथ कई और लोग भी मौजूद रहे। कहा गया कि इलाके को सुंदर बनाने के लिए साफ सफाई का काम आगे भी जारी रहेगा। तो लखनऊ से खबर बता रहे, जहां पर तालाबों की साफ सफाई का काम शुरू हो चुका है। महापौर संयुक्ता भाटिया और नगर आयुक्त ने तालाबों की साफ सफाई का काम का निरीक्षण किया। और साथ ही आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान मेयर के साथ कई और लोग भी मौजूद रहे और कहा गया है कि इलाके को सुंदर बनाने के लिए साफ सफाई का काम आगे भी जारी रहेगा। उन्नाव में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने चुनावी मैदान में शकुन सिंह को उतारा है। अरुण सिंह के टिकट को काटकर शकुन सिंह को टिकट दिया गया है। शकुन सिंह के बेटे शशांक शेखर ने उनके चुनावी मैदान में उतारे जाने को लेकर इस बारे में जानकारी दी है और कल बीजेपी से शकुन सिंह अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि शशांक शेखर ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। शीर्ष नेतृत्व से हम लोग को ये आश्वासन दिया गया था कि आपका मान्य अरुण सिंह जी का टिकट काट के आपको घोषित किया जाता है, तो आप लोग उन्नाव पहुंचिए। तो उन्हीं के कहने पे हम लोग उन्नाव आ रहे थे। जो भी होल्ड लगा था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे होल्ड लगा था। अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा टिकट होल्ड की ना जिला कार्यालय से हुई है ना प्रदेश कार्यालय से हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो आश्वासन हम लोग को दिया, जो आशीर्वाद दिया है मेरी माता जी को, उस पर खड़े उतरने का काम हम लोग पूरा करेंगे। और ऊपर से अगर कोई ऐसी सूचना होती तो या तो प्रेस द्वारा आप लोग के द्वारा विज्ञापित होती जिलाध्यक्ष जी द्वारा। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देशभर की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम TV।